ऑफलाइन माँ चाहिए। पांचवी कक्षा के छात्रों से बात करने के बाद शिक्षक ने उन्हें एक निबंध लिखने को दिया कि कैसी माँ पसंद करते हैं। सभी ने अपनी माँ की प्रशंसा करते हुए विवरण लिखना शुरू कर दिया। उनमें से एक छात्र ने निबंध पाठ का शीर्षक लिखा, ऑफलाइन माँ। मुझे माँ चाहिए पर मुझे ऑफलाइन चाहिए। मुझे एक अनपढ़ माँ चाहिए जो मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं जानती हो, लेकिन मेरे साथ हर जगह जाने को तैयार और आतुर हो। मैं नहीं चाहता कि माँ जीन्स और टी शर्ट पहने, बल्कि छोटू की माँ की तरह साड़ी पहने। मुझे एक ऐसी माँ चाहिए जो बच्चे की तरह गोद में सिर रखकर मुझे सुला सके। मुझे माँ चाहिए लेकिन ऑफलाइन। उसके पास मैं और मेरे पिताजी के लिए मोबाइल की तुलना में अधिक समय होगा। ऑफलाइन माँ हो तो पिताजी से झगड़ा नहीं होगा। जब मैं शाम को सोने जाऊंगा तो वीडियो गेम खेलने की बजाय वो मुझे एक कहानी सुनाकर सुलाएगी। माँ, आप ऑफलाइन पिज्जा ऑर्डर मत कीजिए, घर पर कुछ भी बनाइए, पापा और मैं मजे से खाएंगे। मुझे बस ऑफलाइन माँ चाहिए। इतना पढ़ने के बाद पूरी क्लास में मॉनिटर के रोने की आवाज सुनाई दी। हर एक छात्र और क्लास टीचर की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मॉडर्न रहो लेकिन अपने बच्चों के बचपन का ख्याल रखो। मोबाइल की आवाज